दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल भारत यात्रा विद महेंद्र बावरी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माँ छिन्नमस्ती के रजरप्पा की कथा। साथ ही बताने वाला हूँ कि इसकी स्थापना कैसे हुई तथा माँ के दर्शन के लिए यहाँ कैसे आए। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले पर माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। छिन्नमस्तिके मंदिर में बिना सिर वाली माँ देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर में आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के अंदर जो काली की प्रतिमा है उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में मां की तीन आंखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी है, और इनके अगल बगल डाकिनी और साकिनी खड़ी है जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। इनके गले से रक्त की तीन धाराएं बह रही है। माता की सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार माँ भवानी अपनी दो सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई थी। उस दौरान स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगी। भूख की वजह से उनकी सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा था, तो उन दोनों ने माता से भोजन देने के लिए कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा थोड़ा सब्र और इंतज़ार करें। लेकिन उनको भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि वे तड़पने लगे, जिसके बाद माँ भवानी ने खड़क से अपना सिर काट दिया। सिर काटने के बाद माँ का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उसमें से खून की तीन धाराएं बहने लगीं। माता के सिर से निकली उन दो धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से माँ की इन रूप को माँ छिन्नमस्तिके के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर से मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। रजरप्पा आस्था और प्रकृति की ऐसी संगम स्थली है जो यहां आने वाले सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है, जो सैलानियों को बार बार आने पर विवश कर देता है। ऐसा कभी न भूलने वाला धार्मिक स्थल है रजरप्पा का छिन्नमस्तिके मंदिर। अब हम बात करते हैं माँ छिन्नमस्तिके मंदिर रजरप्पा कैसे पहुँचे। माँ छिन्नमस्तिके का करीबी रेलवे स्टेशन रांची है, जो करीब 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहाँ पहुँचने के बाद आप वहाँ से टैक्सी बुकिंग करवा करके सीधे माँ छिन्नमस्तिके मंदिर पहुँच सकते हैं। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से ज़रा सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद। जय माँ छिन्नमस्तिके के।